सी जी मिरियल कल्चरल ग्रुप सेक्टर 1 गणेश पंडाल में एलियंस अटैक करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ क्या कुछ खास है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पल का। नमस्कार, मैं तीरंदाज से प्राची पांडे आज आपको दिखाने जा रही हूँ भिलाई के बेस्ट गणेश पंडाल। आज हम आपको दिखाएंगे कि भिलाई के वो कौन कौन से जगह है जहाँ पर गणेश पंडाल लगते हैं और वहाँ गणेश पंडाल में क्या कुछ खास होने जा रहा है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सेक्टर 10 का ये गणेश पंडाल है जो कि बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, यहाँ पर काम अभी भी चल रहा है, तो आइए चलते हैं अंदर, यहाँ पर क्या कुछ खास है आपको दिखाते हैं। इस पंडाल में क्या कुछ खास है हम आपको दिखाते हैं। हाल ही में अभी चर्चा में है चंद्रयान, आप वहां पर देख सकते हैं कि चंद्रयान को भी थर्मोकोल के जरिए यहां पर बनाया गया है, यहां पर चंद्रयान भी आपको देखने को मिलेगा। बगल में आप देख सकते हैं मोर को, मोर का सुंदर यहां पर रूप बनाया गया है, अलग अलग थर्मोकोल शीट्स का यहां पर प्रयोग करके अलग अलग जानवरों का भी शेप दिया गया है। यह पंडाल बहुत ही खूबसूरत पंडालों में से एक हो सकता है। आप ऊपर देख सकते हैं रंग बिरंगी चिड़िया भी यहाँ पर लगी हुई है, इस व्हाइट और ब्लू के थीम में जो रंग बिरंगी चिड़िया है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर भी जो गणेश पंडाल है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इस पंडाल का, इस यहाँ पर जो पंडाल लग रहा है उसके मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है वो झूला होने वाला है। यहाँ पर जो झूले लगेंगे वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बप्पा के दर्शन भी करने को मिलेगा। तो आइए इस पंडाल से और भी जुड़ी कुछ जानकारियां हम लेते हैं, यहाँ पर भैया मौजूद हैं, क्या कुछ है पंडाल में, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? ये हमारा थर्मोकोल फॉर्म से हम लोग को मिला जुला के काम कर रहे हो, हम लोग का 35 आदमी है, ये एक महीना हो गया पूरा ये काम के लिए। ये दादा लोग ऐसी बोल रहे, दादा कम से कम मन से जैसा बढ़िया लगेगा उसी हिसाब से बना दो, तो 3-4 आइटम को मिला जुला के काम कर रहे हैं। क्या क्या बनाया हो यहाँ पे, हंस दिख रहा है और क्या कुछ है यहाँ पे? नहीं, यो हंस है, चंद्रगण है, ये मोर का पेड़ में लगा रहे, कोई ऊपर में चिड़िया लगा रहे, वो आदमी लोग को सजाने बुजाने देखने भी बढ़िया लग रहा है, उसी कारण में हम लोग को बनाया है। सबसे पहले तो आप एंट्रेंस में देख सकते हैं एक बड़ा सा ग्लोब बना हुआ है, पृथ्वी का यहाँ पर शेप दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग का एंट्रेंस गेट है यहीं से समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो थीम है वो एलियंस अटैक पर बना हुआ है। अगल बगल आप देख सकते हैं कुछ प्लैनेट्स भी बनाए गए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि रात होते ही ये जो गोलाकार के जो शेप्स हैं वो गोल घूमेंगे और इसमें लाइट चलेगी, तो एक पृथ्वी और पूरे प्लैनेट का यहाँ पर शेप दिया गया है जो कि रात में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। भैया हमारे साथ में है, वो हमें पूरा अंदर का सब चीज दिखाएंगे और क्या कुछ यहाँ पर खास है बताएंगे, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अभी तो दिन का वक्त है तो उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आप वॉल्स में जो यहाँ पर पंडाल लगा है उसमें जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि एक 3D पेंटिंग है और इसमें रेडियम कलर्स का इस्तेमाल हुआ है ताकि रात में जो पंडाल है वो बहुत चमकदार दिखे, आकर्षक दिखे। और क्या कुछ खास है भैया पंडाल में? पंडाल में आई थिंक अभी एलियन के ऊपर बना रहे, जो अपना चंद्रयान 3 गया था वहाँ से चांद से हमारे मतलब पृथ्वी में आए एलियन आए, तो उसी के बारे में दिखा रहे। अच्छा, कुछ लिफ्ट लिफ्ट भी लग रहा है, वो सब क्या है? लिफ्ट मतलब चांद से यूएफओ उतरेगा अपने उसमें पृथ्वी में, वो दिखाया जा रहा है। अच्छा, फिर उससे एलियंस उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, ऐसा दिखाएंगे। अच्छा, एलियंस कहाँ पर है, एलियंस का आप दिखा दीजिए। तो आइए हम आपको सेक्टर 1 में एलियंस आए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि
की भैया ने बताया कि लिफ्ट के द्वारा एक पहले यूएफओ उतरेगा जिससे एलियंस यहाँ उतरेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक यूएफओ शेप का यहाँ पर बना हुआ है जिससे एलियंस यहाँ पर उतरे हैं। पूरा थीम जो है बेसिकली ऐसा बना हुआ है कि एक यूएफओ से एलियंस उतरेंगे और यहाँ पृथ्वी पर अटैक कर रहे हैं। अलग अलग शेप्स के यहाँ पर एलियंस बनाए गए हैं और बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमने फिल्मों में इस तरीके से देखा है एलियंस को आमतौर पर। आज हमें यहाँ गणेश पंडाल में ये एलियंस देखने को मिलेंगे और आइए देखते हैं आगे क्या कुछ खास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलियंस अलग अलग शेप के एलियंस बने, अभी भी तैयारियां चल रही है। इनके आंखों में आप देख सकते हैं कि बल्ब लगा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं रात में जलेंगे, जिसके जब रात में शाम को ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा जब लाइट्स वगैरह सब जलेगी, मतलब बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये पंडाल। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी बनाई गई है, प्लैनेट्स बनाए गए हैं, क्या कुछ उसमें खास है? उसमें मतलब हम लोग 9 ग्रह दिखा रहे हैं और मतलब अंदर मतलब पूरा इंसान जैसे रहते हैं वो सब बताया जा रहा है। साथ ही साथ मतलब सारी का मतलब जैसे हम लोग इंसान अपना कल्चर करते हैं वो सिर्फ हर दिखाया जाएगा कि एलियन आके वैसे जी रहे हैं। अच्छा। इसके थ्रू पे हम लोग मतलब पूरा चीज कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम लोग रहते हैं हर चीज उसके हिसाब से। झूले वूले क्या है? जैसे पिछले बार यहाँ पर एक हादसा हुआ था तो इस बार झूले को लेकर बहुत से लोगों का सवाल है, झूले लगेंगे नहीं लगेंगे, क्या कुछ लिमिटेशंस रहेगी वो बताइए। झूला लग रहा है, सब झूले लग रहे हैं, लेकिन सेफ्टी भी उतनी रखी जा रही है, मतलब ऐसा कुछ हादसा वादसा नहीं होगा इस साल। मतलब झूले इस बार लग रहे हैं, लोगों को झूला झूलने का मौका मिलेगा, मौका अच्छे से मिलेगा, लेकिन पिछले बार जैसे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्राकृतिक रूप यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पेड़ पौधे को अब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और एलियंस पृथ्वी में कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, यहाँ पर इस थीम में ये सब कुछ दिखाया गया है। आप यहाँ पर एक और एंट्रेंस देखेंगे, एक एलियन बना हुआ है, इसका जो बड़ा सा मुंह है वो खुला हुआ है, लोग इस मुंह से होते हुए जाएंगे और उसके बाद बप्पा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। थोड़े और आगे जाने के बाद यहाँ पर बप्पा का पंडाल भी बना हुआ है जहाँ पर गणेश जी विराजमान रहेंगे और लोग बप्पा के दर्शन कर पाएंगे। पृथ्वी पर एलियंस आएंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे जानवर सब कुछ यहाँ पर होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाथी बनाया गया है, एक शेर बनाया गया है, वहां पर साइड में एक जिराफ भी है। ये तो देखकर कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये मूवमेंट भी करेंगे, तो क्या भैया मूवमेंट भी करेंगे, चलेंगे फिरेंगे? ये मूवमेंट होगा, आगे पीछे होगा सब चीज। हाँ। और साथ में मतलब शेर भी मूवमेंट होगा। अच्छा। हाथी का ही मूवमेंट है, कुछ आवाज आवाज भी, इन दोनों का आवाज आएगा। अच्छा, मतलब बच्चे तो बिल्कुल डर ही जाएंगे। थोड़ा बहुत तो रहता ही हर बार में। हाँ। पिछले बार भी थोड़ा डरावना था, इस साल थोड़ा अलग देखें बच्चे लोग को देखते हुए, इसी के साथ छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरा। पिछले बार एक भूत वाला जो थीम था यहाँ पर था और वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, फूलमती वाला उसका। हाँ। जो डांस था बहुत हिट हुआ था। इस बार क्या लगता है वायरल कंटेंट क्या हो सकता है? इस बार मतलब हम लोग क्या सोच रहे कि बच्चे भी एलियन बनाए जाएंगे, पिछले बार जैसे जैसे भूत बनाए थे वैसे इस साल रहेगा, बच्चे एलियंस बनने वाले हैं। हाँ, मतलब एक दो बच्चे बनाए जाएंगे। अच्छा, वो यहाँ पर पंडाल में रहेंगे? हाँ, पंडाल के अंदर रहेंगे, कोई बाहर रहेगा या कोई ऊपर रहेगा वैसे। तो जैसा कि पिछले बार एक वायरल कंटेंट यहाँ से निकला था, फूलमती फूलमती डांस एक भूत ने किया था, वो बहुत ज्यादा हिट रहा था। इस बार बताया जा रहा है कि कुछ छोटे बच्चों को यहाँ पर एलियंस बनाया जाएगा और पंडाल में वो घूमते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये जो एलियंस है वो इस बार का हिट कंटेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग करने का भी कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइकल जैक्सन बने हुए हैं और अगल बगल में जो एलियंस हैं वो एक म्यूजिक बैंड की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक म्यूजिक बैंड और एक डांस बैंड का यहाँ पर एक थीम जो है एलियंस निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइकल जैक्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक पॉपुलर पर्सनैलिटी रहे हैं, तो ये भी एक इस पंडाल का हिस्सा है। इस पंडाल से जब आप होते हुए आएंगे तो फिर अंत में यहाँ पे लास्ट में बप्पा का दरबार है, बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ पर पंडाल बना हुआ है जहाँ पर बप्पा की मूर्ति जो है आ चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल मुख्य दर्शन जो है वो नहीं किया गया है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो बप्पा के दर्शन है वो शुरू हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अगले पंडाल की ओर। यदि आप देखना चाहते हैं कि सपनों की दुनिया कैसी होती है तो आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भिलाई सेक्टर 2 में इस बार जो गणेश पंडाल तैयार हो रहा है उसका थीम है स्वप्न नगरी।
जी हाँ, ये जो गणेश पंडाल बनाया जा रहा है वो स्वप्न नगरी थीम पर आधारित है और यहाँ पर सपनों की दुनिया बनाई जा रही है जिसमें परियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे। तो आइए चलते हैं कि आखिर स्वप्न नगरी कैसी होती है देखते हैं। तो जैसा कि स्वप्नों की नगरी जो होती है, स्वप्न नगरी जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है कहा जाता है, इस थीम को वैसे ही बहुत ही खूबसूरत रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है। जैसे कि आमतौर पर सपनों की दुनिया को सफेद रंग का दिखाया जाता है, यहाँ पर सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो फूलों का इस्तेमाल हुआ है वो स्पेशली कोलकाता से आए हुए हैं और जो यहाँ पर परियां बनाई गई हैं उन फूलों का इस्तेमाल उसमें किया गया है। पेड़ पौधे भी यहाँ पर बने हुए हैं प्राकृतिक रूप से। यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी बने हुए हैं, घोड़ा बना हुआ है, हंस बने हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिड़िया बनी हुई है, ये भी फोम से बना हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ऐसी ही बहुत सी चिड़िया जो बनकर आप देख सकते हैं ऊपर लगा दी गई है जो इस थीम को बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये चिड़िया बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है और कहीं ना कहीं ये जो गणेश पंडाल है स्वप्न नगरी पर आधारित है। तो यहाँ पर ठंडकता के लिए बताया जा रहा है कि 15 AC लगाई जा रही है जिसके वजह से यहाँ पर ठंडकता मौजूद रहेगी। आने वाले लोगों को यहाँ पर बहुत ही ठंडकता महसूस होगी। कहीं ना कहीं ये भी इसकी स्वप्न नगरी के थीम का एक पार्ट है। भिलाई सेक्टर 6 पुलिस ग्राउंड में जो यहाँ गणेश पंडाल बन रहा है वो कैलाश मानसरोवर के थीम पे आधारित है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की अलग अलग जो मूर्तियां हैं यहाँ पर उनका एक चित्रण किया जाएगा और यहाँ पर स्थापना की जाएगी और आप यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। एक तरफ 6 और एक तरफ 6 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर रखे जाएंगे और बीच में जो बप्पा की मूर्ति है वो होगी। आप देख सकते हैं इस पूरे पंडाल को एक बड़े पहाड़ का बड़े रूप दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है और जो अंदर पेंटिंग है वो कहीं ना कहीं इस 3D इफेक्ट के साथ तैयार की जा रही है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल एक ओरिजिनल आप जैसे गुफा में घुसते हैं उस प्रकार का आपको यहाँ पर आने पर फील होगा। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, टेक्निक नहीं भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,